नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति 400 पार के नारे से लोगों में डर, ऐसा क्यों बोले छगन भुजबल। अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कहा कि इस बार एनडीए की राह आसान नहीं, जिसका फायदा शरद पवार और उद्धव ठाकरे को मिल सकता है। यह इसलिए अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों में सहानुभूति है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में भुजबल ने कहा कि इस बार एनडीए की राह आसान नहीं है, 400 पार के नारे से लोगों में डर। वहीं जब छगन ने यूं पूछा कि इंडिया अलायंस का कहना है कि अगर एनडीए को बहुमत मिल गया तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, इस पर आपका क्या मानना है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस बात का डर तो लोगों में है, लोगों को मानना है कि संविधान बदलने के लिए ही 400 पार का नारा दिया गया है। छगन ने कहा कि कर्नाटक के बीजेपी के एक सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने बहुमत मिलने पर संविधान बदलने की बात कही थी। वहीं राजस्थान के नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने भी संविधान बदलने की बात कही थी। इन बयानों और 400 पार के नारों से लोगों में डर है। हालांकि अजीत गुट के नेता ने यह भी कहा कि पीएम मोदी खुद ये बात कह चुके कि हमारा संविधान मजबूत है और इसे खुद बी आर अम्बेडकर भी नहीं बदल सकते, मगर लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है। भुजबल ने आगे कहा कि इसका असर तो तभी पता चलेगा जब वोटों की गिनती होगी, नतीजे आएंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।